Student, today we are discuss about Indian money market structure and concept, meaning the money market is investment in safe short-term securities. To receive the money before the bill is due, the creditor can get the bill accepted by a commercial bank and it can then be sold on the money market for a small discount. The money market is investment in safe short-term securities. आप लोगों से जो है इसके मनी मार्केट के अगर हम स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट की बातचीत करें तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर क्या होता है उधार देने वाली तथा देने वाली संस्थाएं व्यक्तिगत या अल्पकालीन ऋणों का लेन देन करती है। वो क्या करती है थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं जो लोन होते हैं उनके बारे में लेन देन करती हैं। अन्य शब्दों में मुद्रा बाजार वह बाजार का क्षेत्र है जहाँ अल्पकालीन पूंजी अथवा अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कैपिटल्स एंड जो होता है हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो है सेल्स एंड परचेज का जो वर्क होता है वो कहाँ पे होता है आप लोगों का मनी मार्केट में होता है। ये अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ अत्यधिक तरल स्थिति में होती हैं तथा बिना हानि के विक्रय योग्य भी होती हैं। जो ये प्रतिभूतियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड एक सिचुएशन होती है उसमें होती हैं और ये प्रॉफिट गेन करने वाली होती है। द मनी मार्केट इज़ इन्वेस्टमेंट इन सेफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। इसने कहा है कि जो मनी मार्केट में होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या करते हैं सेफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सेफ होती हैं थोड़े टाइम के लिए। टू रिसीव द मनी बिफोर द बिल इज़ ड्यू और हम क्या करते हैं मनी को रिसीव करते हैं जब हमारा बिल क्या होता है ड्यू होता है। द क्रेडिटर कैन गेट द बिल एक्सेप्टेड जो हमारा लेनदार होता है वो क्या करता है बिल को एक्सेप्ट करता है बाय कॉमर्शियल बैंक वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू कर सकता है एंड इट कैन देन बी सोल्ड ऑन द मनी मार्केट फॉर ए स्मॉल डिस्काउंट और वो क्या कर सकता है उसको स्मॉल डिस्काउंट पर सोल्व कर सकता है। फिर है द मनी मार्केट इज इन्वेस्टमेंट इन सेफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और क्या होता है ये जो हमारे यहाँ पे सेफ शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके बारे में जहाँ पे हम लेन देन करते हैं उस मार्केट को भी हमने मनी मार्केट की डेफिनेशन या एक नाम दिया है। अगर मैं बात करूँ आपसे डेफिनेशंस ऑफ मनी मार्केट तो अलग अलग राइटर्स इसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक क्या कहता है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द टर्म मनी मार्केट इज यूज टू डिफाइन ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स विद मैच्योरिटी अप टू 1 year आर ट्रेडेड द एसेट्स आर ए क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी एंड सपोर्ट मनी एक्सचेंज कैरिड आउट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। जो हमारा RBI है उसने क्या कहा है कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियों जैसे कि इसने बोला है मनी एसेट्स जो होती है हमारी मॉनेटरी एसेट्स के नाम से भी आप लोग जिसको जानते हैं का क्रय विक्रय करता है। यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है जो नीड्स होती हैं उन नीड्स को फुलफिल करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है RBI करता है। फिर है इसके अंतर्गत क्या आता है तथा उधार देने वालों की जो नकदी होती है जो कैश होता है उसको लिक्विडिटी जो प्रदान करने का काम करता है वो कौन करता है RBI करता है। यह वह स्थान वह प्लेस होता है जहां व्यक्ति तथा वित्तीय संस्थाओं के विनियोग योग्य जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या करते हैं अल्पकालीन बचे हुए धन को उधार देने वाले व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार स्वयं बोली लगाकर देती है। इसने बताया है अकॉर्डिंग टू RBI एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द टर्म मनी मार्केट इज यूज टू डिफाइन ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स विद ए मैच्योरिटी अप टू 1 year आर ट्रेड। क्या कि इसमें क्या होता है थोड़े टाइम के लिए दी जाती है ज़्यादा ज़्यादा आपकी 1 year का जो ट्रेड होता है। द एसेट्स आर ए क्लॉज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी जो एसेट्स होती है वो क्या होता है क्लॉज सब्स्टिट्यूट होता है किसका मनी का एंड सपोर्ट मनी एक्सचेंज कैरिड आउट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और जो सपोर्ट मनी होती है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं कैरिड आउट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट फॉर में। इसके अलावा RBI ने तो अपनी डेफिनेशन दी है। RBI के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्राउथर जो एक राइटर है उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मुद्रा बाजार उन विभिन्न फर्मों संस्थाओं को दिया हुआ सामूहिक नाम है जो विभिन्न श्रेणी की मुद्राओं का क्रय विक्रय करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप जैसे कि शेयर्स हो सकते हैं
वो सिक्योरिटीज हो सकती हैं, उन सब का जो लेन देन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, मनी मार्केट में किया जाता है। हमारे एक राइटर हैं डॉक्टर सेन, वो क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें व्यावसायिक विनिमय बिलों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों, बैंकर स्वीकृतियों इत्यादि के आधार पर अल्पकाल के लिए क्या कहता है, ऋण के लेन देन। उसमें क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, एक आपको लोगों का मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। अगर मनी मार्केट की बात करें तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की तो कैपिटल मार्केट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। देयर इज अ मेन डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, मेन डिफरेंस है। अब हमारे यहाँ पे क्या था, फेडरल रिजर्व बैंक की बात करते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार ऐसी मौद्रिक परिसंपत्तियों के लेन देन का सक्रिय बाजार है जिसमें वित्तीय संस्थाएं सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत अपनी अपनी आर्थिक स्थिति का, जो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी उसका क्या करती है, यथेष्ट बनाए रखने के लिए रखती है। तो अलग अलग जो टाइप्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसका एक पूरा का पूरा आप लोगों को कह सकते हैं एज अ लाइक समरी, समरी के रूप में इसको प्रेजेंट करूं, तो वो क्या चीज़ बताते हैं कि इन सब डेफिनेशंस के बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट का आशय उस समस्त क्षेत्र पूरा का पूरा जो एरिया है जहाँ मुद्रा तथा साख के क्रेता और विक्रेता, वहाँ पे सेलर भी होंगे एंड बायर्स, बोथ आर अवेलेबल, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आकर पारस्परिक प्रतियोगिता के आधार पर क्या हो सकता है, वहाँ पे कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के आधार पर अल्पकालीन मुद्रा तथा साख का क्रय विक्रय करते हैं। अल्पकाल के लिए मुद्रा और साख जो है दोनों का क्या करते हैं, क्रय विक्रय कहते हैं, तो उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट का नाम दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मुद्रा बाजार में मुद्रा का क्रय विक्रय इस दृष्टिकोण से होता है कि मुद्रा उधार देने वाले व्यक्ति या संस्थाएं मुद्रा के बदले में उसकी कीमत प्राप्त करती हैं, मुद्रा देते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, वो कीमत प्राप्त करते हैं, वह कीमत ब्याज की दर होती है। अब सिंपल सी बात है, आपने कोई भी सिक्योरिटीज है, कोई भी एसेट्स है या कुछ भी आप लोगों ने लोन वगैरह दिया है, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्होंने बताया है कि वास्तव में मुद्रा बाजार का आशय उसकी क्रय शक्ति से, उसकी परचेजिंग पावर से है, तथा मुद्रा की कीमत उसकी ब्याज दर कहलाती है, और जो भी हमारी मुद्रा होती है, जो भी मनी होती है, उसकी जो भी कीमत होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मनी मार्केट के नाम से कहलाती है। अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं डेफिनेशंस के साथ साथ, वो कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, मुद्रा बाजार की क्या हो सकते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, कई अंग होते हैं। जैसे आप लोगों का जो ट्रेजरी मार्केट होता है, अगर ट्रेजरी मार्केट की हम बात करें तो वो भी क्या होगा, मनी मार्केट का ही एक पार्ट होता है। कॉल मनी मार्केट होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, बिलों की पुनः कटौती होती है, वो भी क्या होता है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा बाजार में जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो जो होते हैं कंप्लीट जो की जाते हैं मोस्टली, वो कम्युनिकेशन जो उनका होता है वो एक तरीके से टेलीफोन होता है, यद्यपि दोनों पक्षों द्वारा इसकी लिखित में भी पुष्टि की जा सकती है। मुद्रा बाजार में ब्रोकर का अति महत्व, ब्रोकर क्या होता है, एक तरीके से जिसको हम दलाल कहते हैं, परंतु ब्रोकर के बिना भी लेन देन हो सकते हैं, ब्रोकर का एक स्थान होता है, परंतु विदाउट जो है ब्रोकर के भी क्या हो सकते हैं, लेन देन हो सकते हैं। मुद्रा बाजार अल्प अवधि के कोषों की व्यवस्था करने का उत्तम साधन है, जो थोड़े टाइम के लिए जो हमारे फंड होते हैं उनकी व्यवस्था करने का क्या है, एक उत्तम साधन क्या बताया गया है, मुद्रा बाजार को बताया गया है। मुद्रा बाजार में केवल उन्हीं वित्तीय संपत्तियों को, मुद्रा बाजार में क्या बताया गया है कि केवल उन्हीं वित्तीय संपत्तियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें शीघ्रता से और सुविधा से बिना कैपिटल लॉस के न्यूनतम लेन देन पर लागत पर मुद्रा में परिवर्तन किया जा सके, कि उन्हें जल्दी से लिक्विडिटी प्रदान की जा सके, ठीक है। ऐसी वित्तीय संपत्तियों में मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मुद्रा बाजार से कोष प्राप्त करने का उद्देश्य प्रत्येक पक्ष का दूसरे से भिन्न होता है, एक जो पक्ष है उसका जो उद्देश्य है, जो एम है, वो दूसरा जो पक्ष होगा उससे डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका जो एम है वो एक जैसा ही हो, सिंगल पर्पस नहीं होगा, डिफरेंट पर्पस होगा। फिर है
विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियाँ पाई जाती हैं जिसमें निवेशक को अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प उपलब्ध होते हैं। डिफरेंट पाई जाती है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टर जो होता है, उसे उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्या मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।